नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सेना में भर्ती के लिए मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का युवाओं ने किया विरोध, नवगछिया में जमकर किया प्रदर्शन। डीएम की अध्यक्षता में परिवहन समिति की हुई बैठक, स्कूली वाहन के परिचालन में बच्चों की सुरक्षा की तैयारी को दुरुस्त रखने की दी चेतावनी। निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कार्यों को लेकर कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ की बैठक, गुणवत्तापूर्ण कार्य के दिए निर्देश। नवगछिया में पूजा पाठ को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, पुलिस ने कराया मामला शांत। और नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से बिजली मीटर से संबंधित विषय पर हुई चर्चा। विस्तार से भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से सेना में भर्ती के लिए नई योजना अग्निपथ की शुरुआत की गई है, जिससे युवाओं को रोजगार के साथ देश की सेना के लिए अपनी सेवा देने का मौका मिलेगा। वहीं अब इसको लेकर कई जगहों पर बवाल शुरू हो गया है। इसको लेकर भागलपुर के नवगछिया में सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नवगछिया जीरो माइल चौक के पास हंगामा और प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने टायर जलाकर रोड जाम कर दिया, जिसके कारण करीब 1 किलोमीटर की दूर तक सड़क जाम रहा और अवाक मन बाधित हो गया। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही नवगछिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाम हटाने के लिए युवाओं को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सभी प्रदर्शनकारी पुलिस प्रशासन की बात मानने को तैयार नहीं हुए और मोदी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इधर इस प्रदर्शन के कारण NH 31 स्थित जीरो माइल चौक के समीप आवश्यक सेवा से जुड़े कई वाहन भी जाम में फंसे दिखे, जबकि कई यात्रियों को बस से उतरकर पैदल अपने गंतव्य तक जाना पड़ा। भागलपुर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बुधवार को बाल परिवहन समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें डीएम ने जिले के कई वरीय पदाधिकारी और परिवहन विभाग समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान बैठक में सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करने और नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात डीएम ने कही। वहीं बैठक में SSP बाबू राम ने भी जिले के सभी निजी स्कूल प्रबंधन को वाहनों के परिचालन के दौरान बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ परिवहन नियम का पालन करने का निर्देश दिया। इधर जिला परिवहन पदाधिकारी फिरोज अख्तर ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार सभी निजी स्कूल के प्रतिनिधियों को स्कूल वाहन परिचालन और बच्चों की सेफ्टी के लिए सारी तैयारी दुरुस्त करने की सख्त हिदायत दी गई। मौके पर अपर समाहर्ता राजेश झा राजा, नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर, सदर SDO धनंजय कुमार, नवगछिया SDO यतेंद्र कुमार पाल, सिटी SP स्वर्ण प्रभात, सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार समेत कई अधिकारी और स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे की अध्यक्षता में सुपर स्पेशलिटी को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में आयुक्त ने सुपर स्पेशलिटी के कार्यों को लेकर JLNMCH के अधीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, PWD के अभियंता, प्रोजेक्ट इंजीनियर, कार्यपालक अभियंता समेत बिल्डिंग निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान आयुक्त ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया, जबकि प्रोजेक्ट से जुड़े अभियंताओं ने विस्तार से सुपर स्पेशलिटी के निर्माण कार्य और वहां लगाए जाने वाले उपकरण से संबंधित जानकारी भी दी। मौके पर अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास और प्रोजेक्ट से जुड़े कई अभियंता एवं अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस जिला नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर बहर जित्रा में पूजा पाठ को लेकर मारपीट होने का मामला सामने आया है। दरअसल इस दौरान बोनी दास के पुत्र संजीव दास, अजय कुमार दास और मकरू दास के पुत्र प्रमोद दास पूजा को लेकर आपस में भिड़ गए, जिससे मारपीट की नौबत आ गई। वहीं इसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि बहर जित्रा को लेकर मंगलवार को मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रसाद का वितरण किया जाता है, लेकिन तभी संजीव दास और अजय कुमार दास पूजा स्थल पर पहुंचे और गाली गलौज शुरू कर दी। ग्रामीणों ने कहा कि विवाद का कारण जमीन को बताया जा रहा है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची गोपालपुर पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों से थाने में पूछताछ की। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष महादलित समाज से आते हैं और सभी महिला एवं पुरुष ने अपनी फरियाद को लेकर गोपालपुर थाना परिसर के बाहर घंटों मौजूद रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन लोगों की बात नहीं सुनी, जिसके कारण ग्रामीण निराश होकर अपने घर को लौट गए। बता दें कि अभी कुछ ही दिन पूर्व कमजोर वर्ग के ADG अनिल कुमार यादव ने पुलिस अधिकारियों के साथ घंटों बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया था, लेकिन उस निर्देश का पालन होता फिलहाल नहीं दिख रहा है।
और थाना में बोल रहे कि जल्दी भागिए नहीं तो डंटा लगेगा। कहे डंटा क्यों लगेगा? जनता का है या इतना आदमी अच्छा दो आदमी आता हमारे समझाने के लिए हम छोड़ देते हैं। अगर इतना आदमी आया तो अब नहीं छोड़ेंगे, अरेस्ट करेंगे। अरेस्ट किस मामले में करेंगे? वीडियो बना लिया सर सब। किस मामले में अरेस्ट करने का बात? पकड़ के जो लाए हैं। काहे काहे लाया? बाहर जतरा हो रहा था ना वहाँ गांव में, पूरे गांव का है पूजा, उसी जगह पूजा हो रहा था, उसी जगह ये झमेला कर दिया। तो उस समाज नहीं है कहाँ दसगरदा भले तो कहीं बैठते मैं कहीं प्रसाद खेते वही में आदमी भै गए बता बती बता दी गला जरा नान ले हम छोड़े हमरो दिल के धकली हम दिन भर सहलो छे पूजा में छलिए। भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय अंतर्गत नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से बुधवार को भागलपुर में ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान भागलपुर के एसबीपी डीसीएल के अभियंताओं के साथ बिजली आपूर्ति और सरकार की योजनाओं से जुड़े कई बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वही बैठक में मीटर से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई, जबकि वर्तमान में लगाए जाने वाले एडवांस मीटर की विशेषता के बारे में बताया गया। इधर विभाग के अरुण पाठक ने बताया कि एडवांस मीटर से बिजली की चोरी को रोकने में काफी मदद मिलेगी, जबकि ग्राहकों को भी इसका सीधा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हमेशा आने वाले बिल में गड़बड़ी की समस्या और टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण जो भी समस्या उपभोक्ताओं के समक्ष आती है उसमें काफी कमी आएगी। साथ ही कहा कि किसी भी तरह के सुधार में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन यह मीटर और एडवांस तकनीक उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक और लाभदायक साबित होगी, जबकि बिजली विभाग से होने वाली समस्याओं से भी राहत मिलेगी। प्रोग्राम ये एक्चुअली फुल फॉर्म इसका है रिवैम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम प्रोग्राम। तो इसमें क्या है कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो पावर को जेनरेट करते हैं ना उसको तो हम लोग को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन की भी ज़रूरत पड़ती है और डिस्ट्रीब्यूशन की भी ज़रूरत पड़ता है। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन को एक्चुअली टारगेट करके बनाया गया ये प्रोग्राम को। इसका ये जो है मतलब जो इसका जो बेसिक जो पर्पस है वो है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉसेस होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, आप लोग को ये भी पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज मैक्सिमम है इंडिया में कहीं पे भी, मतलब ट्रांसमिशन जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज सबसे ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज में तो एनर्जी का लॉस। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के दीपनगर स्थित कांग्रेस भवन में संगठनात्मक चुनाव को लेकर बुधवार को बैठक आयोजित हुई। इस दौरान उत्तराखंड से आए ललित सोनी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया। वहीं कांग्रेस के जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कार्यकर्ताओं से कई मुद्दों पर चर्चा कर उनका सुझाव लिया। वहीं संगठन के चुनाव को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से भागलपुर पहुंचे ललित प्राश्वनी का कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से स्वागत किया, जिसके संगठन के चुनाव को लेकर हुई बैठक में कार्यकर्ताओं को विशेष दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने भागलपुर के कांग्रेसी पदाधिकारियों के साथ संगठन के विस्तार पर चर्चा करते हुए पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने की बात कही। मौके पर जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए कांग्रेस नेता, युवा कमेटी के सदस्य और काफी संख्या में कांग्रेसी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो चुनाव संगठन के चुनाव चल रहे हैं उनके संबंध में राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा यहाँ पर मुझको कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ पर भेजा है और संगठन की जो कमियां यहाँ पर दिख रही हैं उनको सामंजस्य बैठाकर हम सब लोगों ने मजबूती प्रदान करनी है। इस संबंध में एक आवश्यक बैठक यहाँ पर रखी गई है और हम सबको विश्वास है कि
जितने भी यहाँ पर प्रखंड हैं उन सब में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन, यूओ कांग्रेस का गठन और एनएसयूआई के साथ साथ प्रदेश के डेलीगेट जो पीसीसी डेलीगेट हैं उन सब का गठन जो है आपसी सहमति से हम सब लोग यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से करेंगे और प्रदेश नेतृत्व को और जो अपने चुनाव प्राधिकरण है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रदेश कांग्रेस की कमेटी उसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक थाना अंतर्गत गोशा शेखपुरा पंचायत में एक तालाब उड़ाही के दौरान मानव का नरकंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं इसके बाद तालाब के समीप भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि तालाब से दो हड्डी, एक खोपड़ी और कुछ कपड़ा मिला है, जिसकी जानकारी लोगों ने पंडारक थाना को दी। वहीं जाँच के दौरान पुलिस एक वर्ष पूर्व लापता हुए 50 वर्षीय व्यक्ति का शव होने की आशंका जता रही है। हालांकि पुख्ता तौर पर पुलिस कुछ भी अंतिम रूप से कहने से बच रही है। बांका के अमरपुर प्रखंड कृषि कार्यालय परिसर में प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण से कर्मशाला का आयोजन किया गया। कर्मशाला शिविर का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख मंजू देवी समेत अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में किसानों को संबोधित करते हुए उद्यान पदाधिकारी सूरज कुमार ने किसानों को सूक्ष्म सिंचाई का लाभ, आवेदन की प्रक्रिया और इसमें मिलने वाली 90% अनुदान के बारे में विस्तार से चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि सूक्ष्म विधि से कम पानी में अधिक सिंचाई किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत प्रखंड स्तरीय ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। इसमें वाटर लेवल थोड़ा डाउन हो रहा है, नीचे जा रहा है और जो भी किसान फ्लड इरिगेशन करते हैं उसमें ज़्यादा पानी लगता है और इस विधि से स्प्रिंकलर विधि से कम पानी में ज़्यादा सिंचाई होगा। पुरपैती प्रखंड अंतर्गत जगदीशपुर मोड़ पर संत त्यागी जी महाराज इंटरनेशनल भिखारी के तत्वाधान में 143वां नवपुण्य शक्ति महायज्ञ सर श्री राम कथा को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आसपास के दर्जनों गांव की महिला एवं बच्चों ने भाग लिया। आयोजन समिति की ओर से बताया गया कि 16 जून को यज्ञ का अग्नि प्रवेश होगा, जबकि 24 जून को पुनाहूति के साथ विशाल भंडारा का भी आयोजन होगा। वहीं इसको लेकर मेला का आयोजन किया जाएगा। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। सेना में भर्ती के लिए मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का युवाओं ने किया विरोध, नवगछिया में जमकर किया प्रदर्शन। डीएम की अध्यक्षता में परिवहन समिति की हुई बैठक, स्कूली वाहन के परिचालन में बच्चों की सुरक्षा की तैयारी को दुरुस्त रखने की दी चेतावनी। निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कार्यों को लेकर कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ की बैठक, गुणवत्तापूर्ण कार्य के दिए निर्देश। नवगछिया में पूजा पाठ को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, पुलिस ने कराया मामला शांत। और नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से बिजली मीटर से संबंधित विषय पर हुई चर्चा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।